ब्रांचेस ब्रांचेस गिट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसमें डिफरेंट ब्रांचेस बनाना एक नॉर्मल सी बात है, और आप जब भी मल्टीपल टीम्स में काम कर रहे होंगे तो आपको डिफरेंट ब्रांचेस बनानी पड़ती हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से। अब वो रीज़न क्या है पहले ये समझते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप काम करते हैं तो उसमें मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट होते हैं। मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट से क्या मुराद है, हम टीम में काम कर रहे हैं तो हर टीम मेंबर अलग अलग फीचर पे काम कर रहा होगा। मैं किसी और फीचर पे काम, मैं यूज़र मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ, जो दूसरा टीम मेंबर है वो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, तीसरा टीम मेंबर रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट फीचर्स होंगे जो कि एक ही प्रोजेक्ट में मौजूद होंगे। आपकी जो मेन रिपॉजिटरी है उसका कोड स्टेबल कोड है। अब आप नहीं चाहते कि जो भी चेंजेस हों उस रिपॉजिटरी में, उसमें वो आपके मेन कोड को, जो प्रोडक्शन का कोड है जो कि ऑलरेडी टेस्टेड एंड वेरीफाइड है, उसको इफेक्ट करे। वो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हैं, डिफरेंट टीम्स में काम हो रही है, कोई सडन बग आ गया। अब मैं यूज़र मैनेजमेंट के फीचर पे काम कर रहा हूँ, कोई अचानक एक बग आ जाता है, वो फीचर जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन में सिर्फ उसका चेंज है, तो मुझे उस पर काम करना है। तो इसके लिए आपकी प्रोजेक्ट में हर वक्त मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, अनलिमिटेड कॉन्टेक्स्ट होते हो सकते हैं। आपकी टीम में 10 अगर लोग हैं, 10 लोग अलग अलग फीचर पे काम कर रहे होंगे तो 10 फीचर्स हो गए, 10 कॉन्टेक्स्ट हो गए। इसके अलावा प्रोडक्शन की बिल्ड, डिप्लॉयमेंट या आपके प्रोजेक्ट के डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं जिस पे काम चल रहा होगा एक वक्त में। जब इतने मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट होते हैं उन सब को सिर्फ एक रिपॉजिटरी पे, एक सिंगल ब्रांच पे मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर सब उसी ब्रांच पे कमिट करना शुरू कर देंगे और आपको प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आई है उसको फौरी फिक्स करके डिप्लॉय करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वो अनस्टेबल कोड मौजूद है जो सारे टीम मेंबर्स ने डाला हुआ है। तो आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हर वक्त अलग अलग काम करना है ताकि मेन कोड को भी इफेक्ट ना करें और जो जिस फीचर पर आप काम कर रहे हैं उस पर भी डिवेलपमेंट चलती रहे। एक और एग्जाम्पल है, मैं जैसा कि मैंने कहा यूज़र मैनेजमेंट फीचर पे काम कर रहा हूँ, यूज़र मैनेजमेंट फीचर पे काम कर रहा था, उसमें बहुत सारी फाइल्स मैंने बनाई। अब अचानक प्रोडक्शन में जो हमारा कोड है उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, उसे फौरी तौर पे फिक्स करना है। जब उसे फौरी तौर पे फिक्स करना है तो इसके लिए मुझे अपने जो भी करंट चेंजेस हैं उसे रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी प्रोडक्शन की जो बिल्ड है उसमें तो ये चेंजेस हैं भी नहीं और मुझे वो उसमें ऐड भी नहीं करने, तो मुझे वो चेंजेस रिमूव करने पड़ेंगे। मैं वो चेंजेस रिमूव करूँगा, प्रोडक्शन में के रिपॉजिटरी में जो भी मुझे चेंज करना हो वो चेंज करूँगा, उसको बिल्ड करके डिप्लॉय किया जाएगा। अब मैं वो चेंजेस जो मैं यूज़र मैनेजमेंट के फीचर पे काम कर रहा था वो दोबारा लिखूँ, या तो मैंने बैकअप बना के रख लिया और मैं उसको कॉपी पेस्ट करूँ। इसलिए गिट में ब्रांचेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्टेक्स्ट। आप ब्रांच बनाते हैं और ब्रांच स्विच करते हैं, ब्रांच बनाई और स्विच कर ली आप मास्टर ब्रांच में जहाँ पे मेन कोड मौजूद है। जब आप यूज़र मैनेजमेंट के फीचर पे आए आपने ब्रांच एक नई बना ली, अब आप जो भी काम कर रहे हो वो सेपरेट हो रहा है, एक अलग ब्रांच पे हो, चेंजेस करते चले जाएं जितने चेंजेस करने। जब आपने वो चेंजेस कंप्लीट कर लिए, फॉर एग्जांपल जो भी मैंने बग की बात की कि कोई एरर आ गया, तो मैं क्या करूँगा, ब्रांच स्विच कर दूँगा, वही डायरेक्टरी होगी, वही फोल्डर होगा, सब कुछ गिट मैनेज करेगा। ना आपने बैकअप लेना है, ना आपने सेटअप करना है, ना आपने रिमूव करना है, सिर्फ आपने ब्रांच स्विच की, अब आप नॉर्मल कोड पर आ गए, यूज़र मैनेजमेंट का कोड गायब हो गया, बग फिक्स किया और उस बग को चेंज करके आपने कमिट कर दिया, ब्रांच स्विच की और दोबारा से आप अपनी दूसरी ब्रांच पर आ गए। अब हम कुछ कॉन्टेक्स्ट देते हैं रियल वर्ल्ड के, आपकी अगर एक एप्लीकेशन है जिसमें काम हो रहा है तो कितने कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। ये देखें, वाइल यू आर प्रिपेयरिंग टू न्यू वेरिएशन ऑफ वेबसाइट डिज़ाइन, यानी कि आप दो डिफरेंट वेरिएशंस पे काम कर रहे हैं अपनी वेबसाइट की, तो आपकी वेबसाइट की एक वेरिएशन पे अलग एक डेवलपर काम कर रहा होगा, दूसरी वेरिएशन पे कोई दूसरा डेवलपर काम कर रहा होगा, और हो सकता है सेम डेवलपर हो लेकिन दोनों वेरिएशंस अलग अलग हैं, तो इसलिए आपके दो कॉन्टेक्स्ट तो यहीं पे हो गए, कॉन्टेक्स्ट वन एंड टू। साथ साथ आपके पास एक बग आ गया है तो उस पर भी आपने काम करना है, मेन कोड को वेरिएशन वेबसाइट की जो काम हो रही है उसको टच किए बगैर, तो ये आपका तीसरा कॉन्टेक्स्ट है। इसके अलावा आपके फॉर एग्जांपल वेबसाइट में एक एफएक्यू का पेज है उसे फिक्स करना है, उसमें कुछ चेंजेस करनी है, तो आपका कॉन्टेक्स्ट 4 हो गया। इसके अलावा आपका कोई टीममेट है
जो कि आपकी वेबसाइट में एक एडिशनल फीचर ऐड कर रहा है शॉपिंग कार्ट का। अब आप अंदाज़ा लगाएं, दो डिफरेंट वेरिएशंस पे काम हो रहे हैं, बग फिक्स भी हो रहा है, नया फीचर भी ऐड हो रहा है, शॉपिंग कार्ट के फीचर पे भी काम हो रहा है। जब इतने सारे फीचर्स पे काम हो रहा होगा तो एक ही रिपोजिटरी में जब सब कुछ जमा होगा तो ये मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए गिट में आप कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं। फिर एक और कॉन्टेक्स्ट है कि एक आपने अपने किसी क्लिक को, टीममेट को दिया हुआ एक नए तरीके से लॉगिन को एक्सपेरिमेंट करना है। ये एग्जांपल के तौर पे ये बात की जा रही है, एक नया फीचर है, एग्जिस्टिंग फीचर है, उसमें कुछ चेंज करना है और उसको कोई एक्सपेरिमेंट करना है। अब आप एग्जिस्टिंग फॉर एग्जांपल लॉगिन की फंक्शनैलिटी है, चल रहा है, आपकी पूरी एप्लीकेशन चल रही है, अब उसको अगर आप डायरेक्ट चेंज कर दें नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आपका कोड ब्रेक हो जाएगा, चलती एप्लीकेशन आपकी प्रोडक्शन में क्रैश कर जाएगी। इससे बेहतर है कि आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में काम करें, वो कॉन्टेक्स्ट किट में ब्रांच होता है। एक और एग्जांपल है, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं और आपकी एप्लीकेशन कस्टमर्स के लिए सर्वर्स पे डिप्लॉयड होती है तो आपकी एप्लीकेशन की कुछ स्टेट्स होती हैं। एक डिप्लॉयड है जो कि प्रोडक्शन बिल्ड कहलाती है, फिर जो भी डेवलपर्स काम करते हैं वो अपने अपने पास काम करके एक सेंट्रल जगह पे सबमिट करते हैं ताकि आप उसको पूरी एप्लीकेशन को एक साथ चलाकर टेस्ट कर सकें। प्रोडक्शन नहीं है लेकिन एक सेंट्रल सर्वर है, उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। तो एक होता है आपका प्रोडक्शन जो कि कस्टमर्स के लिए लाइव चल रहा है, वो कोड है, उसमें आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। एक कोड है जो कि आपका टेस्टिंग कोड है, जिसमें पूरी एप्लीकेशन मौजूद है और वो फीचर्स भी मौजूद हैं जो कि टेस्ट किए जा रहे हैं, नए इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। और एक होता है हर यूज़र अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में अपना अपना फीचर काम कर रहा है। तो जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे, हर यूज़र का अपना कॉन्टेक्स्ट होगा, अपना फीचर होगा, वो उसमें चेंज करेगा, जब उसको फाइनल कर लेगा तो वो डेवलपमेंट के कोड में ऐड करेगा और जब वो फाइनली टेस्ट हो जाएगा तो वो प्रोडक्शन के कोड में ऐड हो जाएगा। अब ये प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और यूज़र का अपना फीचर क्या है? कोड है, एक ही रिपोजिटरी है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम डिप्लॉयड है, आपने फीचर इम्प्लीमेंट किया है यूज़र रजिस्ट्रेशन का और उस कोड को आपने डिप्लॉय कर दिया, तो अब वो कोड की जो स्टेट है वो प्रोडक्शन स्टेट है क्योंकि वो टेस्टेड है और डिप्लॉयड है। अब आप उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, अब डायरेक्ट मेन कोड पे चेंज करेंगे टेस्ट किए बगैर और उसको डिप्लॉय कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर डेवलपमेंट सर्वर होता है तो आपका एक कॉन्टेक्स्ट होता है डेवलपमेंट का कि उसमें आप कोड तो होता है लेकिन वो डेवलप प्रोडक्शन में नहीं डिप्लॉय होता, आप उसको सेपरेटली डिप्लॉय करते हैं। और फिर यूज़र के पास कुछ कोड होगा जो कि हर टीममेट अलग इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट प्रोडक्शन के कोड में मर्ज कर देंगे और डिप्लॉय कर देंगे। ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन हमने देखी है वो गिट की ब्रांच से रिलेटेड है। ब्रांचेस जैसे कि हम समझते हैं डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, उनका बेस सेम होता है और उसमें से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं, तो इसी तरीके से जब आप पहली दफ़ा कोड लिखते हैं तो वो एक मेन ब्रांच होती है। अब आप उसमें से मल्टीपल फीचर्स पे काम कर रहे हैं, हर यूज़र अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है, तो गिट का जो सबसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो सबसे जिसका बेनिफिट है के बजाय इसके कि आपको बैकअप बनाना पड़े, अलग अलग वर्जन्स खुद से मैनेज करने पड़े, सब कुछ गिट की रिपॉजिटरी में हो रहा होता है और आपको कोई बैकअप नहीं बनाना, आप सिर्फ ब्रांच बनाएं और स्विच करते चले जाएं। मेन कोड है जो कि गिट की मेन, सबसे पहले आप रिपॉजिटरी बनाते हैं जैसा हमने देखा था, तो उसकी ब्रांच को एक डिफ़ॉल्ट ब्रांच बन जाती है मास्टर, उससे आप एक नई ब्रांच बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने नाम दिया उसको डेवलपमेंट, आपने डेवलपमेंट ब्रांच बना ली। अब आप डेवलपमेंट ब्रांच में काम कर रहे हैं, आपका एक कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। अब उस डेवलपमेंट ब्रांच से आपने यूज़र मैनेजमेंट की एक ब्रांच बना ली, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की एक ब्रांच बना ली, फी कलेक्शन की एक ब्रांच बना ली, तीन अलग ब्रांचेस बन गई हैं, मास्टर से डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से यूज़र मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, फीस कलेक्शन, ये तीन ब्रांच। अब इन सब पे अलग अलग काम हो रहा है। जो यूज़र मैनेजमेंट पे काम कर रहा है उससे कोई बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है, उसने सिर्फ ब्रांच स्विच करनी है, वही डायरेक्टरी होगी, वही प्रोजेक्ट होगा, सिर्फ यूज़र मैनेजमेंट की ब्रांच होगी, उसमें जो भी वो चेंजेस करेगा
ऐड करेगा, कमिट करेगा, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्रांच में चेंजेस हो रही होंगी, आपकी मास्टर ब्रांच और डेवलपमेंट ब्रांच को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से जो यूज़र यूज़र मैनेजमेंट पे, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, वो अपने कोड में चेंजेस करता रहेगा, उन चेंजेस को कमिट करेगा और वो चेंजेस उसी ब्रांच में रहेंगे। डेवलपमेंट ब्रांच, मास्टर ब्रांच में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वहाँ पर वो सेम ही ओल्ड कोड होगा। अब जब आप चाहते हैं कि उस ब्रांच का जो कोड है अब कंप्लीट हो चुका है, अब आप उसको डेवलपमेंट में सबमिट करना चाहते हैं, आप मर्ज करना चाहते हैं, तो इसे कहते हैं मर्जिंग। तो आप क्या करेंगे, अपने यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के कोड को डेवलपमेंट के कोड में मर्ज कर देंगे। जब यहाँ पर भी टेस्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट के कोड को मास्टर के कोड में मर्ज कर देंगे। तो आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए ब्रांचेस बनाते हैं, ब्रांचेस में काम करेंगे, हर यूज़र अपनी अपनी ब्रांच में काम करेगा। जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, उस डिफरेंट ब्रांच डेवलपमेंट ब्रांच में मर्ज करेगा और डेवलपमेंट ब्रांच को जब टेस्ट कर लेंगे तो हम मास्टर ब्रांच में मर्ज कर देंगे। ये आप डायग्राम देखें, इस डायग्राम में आपको नज़र आएगा तीन टाइमलाइंस हैं। तीन टाइमलाइंस पर आपके डिफरेंट कमिट्स मौजूद हैं और डिफरेंट ब्रांचेस मौजूद हैं। सबसे पहले FAQs का कंटेंट एक ब्रांच है जिसमें C1 है, यानी कि कमिट है, उससे एक ब्रांच निकली न्यू डिज़ाइन 1, फिर उसमें आप जो भी चेंजेस करते चले जाएं, उसके बाद ब्रांच निकली है बग फिक्सेस। तो आप एक ब्रांच से मल्टीपल ब्रांचेस निकलती जाएंगी और उनमें काम होता चला जाएगा। जो भी आपने चेंजेस किए उसमें चेंज करते चले गए, कमिट करते चले गए, वो हर कमिट हर ब्रांच का अपना होगा और फाइनली आप उन चेंजेस को मर्ज कर देंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ब्रांचेस पे काम करने का, कि आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे जिस ब्रांच में काम कर रहे हैं आपके फोल्डर में सिर्फ वही कंटेंट मौजूद है, दूसरा कंटेंट मौजूद नहीं है। अगर आप ब्रांच स्विच करेंगे फोल्डर सेम रहेगा, कंटेंट डायरेक्टरी आपकी सेम होगी, सिर्फ आप ब्रांच स्विच करेंगे, कोड चेंज करेंगे। और अगर चेंजेस में प्रॉब्लम आ जाती है, कोड गलत हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, चेंजेस को डिस्कार्ड कर देना है, ब्रांच को डिलीट कर देना है, मेन ब्रांच प्रोडक्शन कोड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसा कि अभी मैंने पहले जिक्र किया कि बाय डिफ़ॉल्ट आप एक ब्रांच पे ही काम कर रहे होते हैं, गिट में ब्रांचेस ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी हैं। आप जैसे ही पहले रिपोजिटरी बनाते हैं तो एक ब्रांच बन जाती है मास्टर, और जो भी चेंजेस आप करते चले जाते हैं वो उसी ब्रांच में ऐड हो रहे होते हैं, उससे मज़ीद ब्रांचेस बनती चली जाती हैं। ये कुछ ब्रांच की कमांड्स हैं। जब भी आप ब्रांच पे काम करने जाएंगे आपको टर्मिनल्स में कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, तो सबसे पहले आपने देखना है कि ब्रांचेस की आप लिस्ट देखना चाह रहे हैं, तो गिट ब्रांच की कमांड आप कॉल करेंगे तो आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन सी ब्रांचेस मौजूद हैं। गिट ब्रांच स्पेस -v करेंगे तो साथ में उस ब्रांच पे कोई लास्ट कमिट हुआ है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर अगर आपने ब्रांच क्रिएट करनी है तो आप लिखेंगे गिट स्पेस ब्रांच स्पेस जो भी नाम आपने कहा हेलो। जब आप लिखेंगे गिट स्पेस ब्रांच स्पेस हेलो तो हेलो की ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप ब्रांच पे स्विच करना चाहते हैं तो गिट चेकआउट ब्रांच, तो ब्रांच पे आप मूव कर जाएंगे। जो भी ब्रांचेस में डिफरेंट चेंजेस होंगी उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप गिट लॉग और दोनों ब्रांचेस का नाम लिख के डॉट डॉट के साथ, तो आप डिफरेंट लॉग्स भी देख सकते हैं। डिफरेंट ब्रांचेस में लॉग्स कमिट्स का क्या डिफरेंस है ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जब आपको एक ब्रांच में जो कोई काम कर लिया आपने उसको पेरेंट ब्रांच में मर्ज करना है तो आप गिट मर्ज कॉल करेंगे और ब्रांच का नाम देंगे, तो करंट ब्रांच में जिस ब्रांच का नाम देंगे वो ब्रांच मर्ज हो जाएगी। अब हम ब्रांचेस का डेमो देखते हैं कि किस तरीके से ब्रांचेस क्रिएट की जाएंगी और उनमें किस तरीके से काम किया जाएगा। ब्रांचेस पे काम करने के लिए आपको ब्रांच की डिटेल कैसे आइडेंटिफाई की जाएगी, ब्रांच बनेगी कैसे, वो कमांड्स देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा करंट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हमारे पास दो फाइल्स मौजूद हैं, गिट स्टेटस किया। इस वक्त हमारे पास हमारा वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन है, उसमें कोई फाइल नहीं है जो कि अनस्टेज हो, मॉडिफाइड हो, ऐसी कोई फाइल मौजूद नहीं है। अब मैं गिट ब्रांच कमांड एग्जीक्यूट की, मैंने गिट ब्रांच, गिट ब्रांच की कमांड लिस्ट देती है आपकी जितनी भी ब्रांचेज होती हैं, गिट ब्रांच -v उस ब्रांच का आखिरी कमिट भी साथ में बताती है कि उस ब्रांच पे आखिरी कमिट क्या हुआ है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है, ये इम्पॉर्टेंट है कि गिट में ब्रांच ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। आपका बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट जो बनता है उसमें पहली जो
आपका जैसे ही वर्किंग डायरेक्टर बनती है, पहली आपकी ब्रांच क्रिएट हो जाती है और उसका नाम मास्टर होता है। तो अब मैं जाके एक ब्रांच क्रिएट करने जा रहा हूँ। कि स्टेटस मैंने चेक किया, इस वक्त हमारे पास दो फाइल्स मौजूद हैं। मैंने कहा गेट ब्रांच डेव, गेट स्टेटस नॉर्मल है, गेट ब्रांच। अब देखिए हमारे पास लिस्ट में आ रहे हैं दो ब्रांचेस, गेट ब्रांच माइनस वी। दोनों का लास्ट कमिट सेम है। जब भी आप ब्रांच बनाते हैं तो ये जहन में रखना चाहिए कि जिस ब्रांच में आप ऑलरेडी मौजूद होते हैं वहाँ खड़े होकर आप एक नई ब्रांच बना रहे होते हैं। तो जिस ब्रांच में खड़े होकर आप ब्रांच नई बनाते हैं उस ब्रांच से ही वो ब्रांच बनती है। तो मास्टर से डेव ब्रांच बनी है इस वक्त। तो इस वक्त स्टेटस ये आपको बता रहा है कि आप कौन से ब्रांच में मौजूद हैं, ऑन ब्रांच मास्टर। अब मैंने गेट ब्रांच डेव करके ब्रांच क्रिएट कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस ब्रांच में मूव हो जाऊँ। गेट ब्रांच गेट चेकआउट डेव, स्विच टू ब्रांच डेव। अब मैं गेट स्टेटस देखूँगा तो ये मुझे बता रहा है ऑन ब्रांच डेव। आपके फोल्डर के लिए ये एग्जैक्टली कोई डिफरेंस नहीं है। यही फ़ायदा है गिट का और वर्जन कंट्रोल सिस्टम का, आपको अलग अलग बैकअप नहीं बनाने डिफरेंट वर्जन्स के। आपका गिट की रिपोजिटरी खुद मैनेज कर रही है। इस वक्त आप उसी फोल्डर में मौजूद हैं, वही फाइल्स मौजूद हैं, सारे चेंजेस वही मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पर आके, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेव ब्रांच में, मैंने यहाँ पर आके एक नई फाइल क्रिएट की, थर्ड डॉट टी एक्स टी। गेट स्टेटस ये थर्ड डॉट टी एक्स टी मौजूद है। मैं कौन सी ब्रांच में मौजूद हूँ, डेव ब्रांच में। मैंने कहा गेट एड गेट गेट कमिट माइनस एम और ये फाइल कमिट हो गई। गेट लॉग। अब देखें पहली चीज़ ये कमिट आ रहा है जो हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए इसमें कमिट किया था। एक और कमिट आ रहा है और इस वक्त एक कमिट आ रहा है जिसे ये बता रहा है कि आपका डेव ब्रांच हेड, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था, हेड जो है करंट ब्रांच को रेफ़र करता है। इस वक्त आपकी डेव ब्रांच हेड है क्योंकि आप करंट ब्रांच डेव पे मौजूद हैं। इस वक्त आपकी डेव में तीन कमिट मौजूद हैं जबकि मास्टर में ये दो कमिट मौजूद हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा, हम फिर से स्विच करते हैं गेट चेकआउट मास्टर गेट लॉक। अब देखें मास्टर में कितने कमिट आ रहे हैं, दो। और जब मैंने गेट चेकआउट मास्टर किया है यहाँ पे वो थर्ड डॉट टी एक्स टी फाइल भी गायब हो गई है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ ये है कि क्योंकि आप इस वक्त जिस ब्रांच में मौजूद हैं उसमें जो फाइल्स होंगी वो आपको नज़र आएंगी। इस वक्त अगर मैं फिर से गेट चेकआउट डेव, ये देखिए फिर से थर्ड डॉट टी एक्स टी फाइल आ गई और आप उसको व्यू भी कर सकते हैं। गेट लॉग करेंगे तो आपको सारे लॉग्स भी नज़र आएंगी। तो आपने क्या किया, एक ब्रांच क्रिएट की, उस ब्रांच में जाके कुछ चेंजेस किए। अब आप उन चेंजेस को चाहते हैं कि आप मास्टर ब्रांच में मर्ज कर दें। तो पहली चीज़ गेट ब्रांच ब्रांच की लिस्ट बताता है। किस ब्रांच में मौजूद हैं गेट, अब गेट ब्रांच माइनस वी देखूंगा तो कमिट दोनों के डिफरेंट है क्योंकि डेव में जो कमिट लास्ट कमिट है वो नज़र आ रहा है, मास्टर में जो लास्ट कमिट है वो नज़र आ रहा है। तो इस वक्त आपके पास दो ब्रांच मौजूद हैं। इस वक्त आप डेव ब्रांच में मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि डेव ब्रांच में जो भी मैंने चेंजेस किए थे वो मैं मास्टर ब्रांच में मर्ज कर दूँ। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़, मैं चाहता हूँ कि दोनों ब्रांचेस में कमिट्स का डिफरेंस देखना चाहता हूँ। गेट लॉग डेव डॉट डॉट मास्टर
डेव से मास्टर में कोई चेंज नहीं है, मास्टर डॉट डॉट डेव। अब ये बता रहे मास्टर के मुकाबले में डेव में ये एक एडिशनल कमिट है, तो आप कमिट्स के लॉग में जो कमिट की हिस्ट्री आ रही होती है वो चेक कर सकते हैं। अब मैं मूव करता हूँ मास्टर ब्रांच पे, थर्ड डॉट txt मौजूद है। जैसे ही मास्टर पे मूव किया थर्ड डॉट txt गायब हो गई। जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि टीम के मेंबर्स अलग अलग ब्रांचेस पे काम कर रहे होंगे। किसी एक पॉइंट इन टाइम पे आपको एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच में मर्ज करना होगा ताकि सारा का सारा कोड एक सेंट्रल ब्रांच में आ जाए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट मर्ज, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मास्टर ब्रांच में। अब मैंने कहा गिट मर्ज डेव, इसने क्या किया, डेव ब्रांच के जो भी कमिट्स थे वो मास्टर में मर्ज कर दिए। अब देखें मुझे मास्टर में भी तीसरा कमिट नज़र आ रहा है और हेड मास्टर पे मौजूद है, डेव और मास्टर के सारे कमिट एक साथ मौजूद हैं। इस वक्त मैं मास्टर ब्रांच में हूँ और थर्ड डॉट txt फाइल भी यहाँ पे मौजूद है। अब मैं मूव करता हूँ कि चेक आउट डेव, अब भी थर्ड डॉट txt मौजूद है। क्यों, क्योंकि मैंने डेव में जो भी चेंजेस थी उसको मास्टर में मर्ज कर दिया है। अब मैं एक चेंज मास्टर में करता हूँ। इस वक्त मैं मास्टर में आया मैं और मैंने सेकेंड डॉट txt में टेक्स्ट ऐड किया। कमिट करेंगे, सेकेंड डॉट txt अपडेट कर दी, गिट स्टेटस गिट लॉग। अब हमें नज़र आ रहा है कि मास्टर में एक एडिशनल कमिट हो चुका है, गिट सेकेंड डॉट txt में हेलो वर्ल्ड मौजूद है। अब मैं मूव करता हूँ गिट चेकआउट डेव पर, सेकेंड डॉट txt MTA। क्यों, क्योंकि जो मैंने चेंजेस किए थे वो मास्टर ब्रांच पे किए थे, मास्टर ब्रांच से इस वक्त हम मूव हो चुके हैं डेव ब्रांच पे, डेव ब्रांच में वो चेंज मौजूद नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मास्टर ब्रांच के चेंजेस डेव में आ जाएं, तो क्योंकि मैं इस वक्त ऑलरेडी डेव ब्रांच में मौजूद हूँ, मैं कहूँगा गेट मर्ज मास्टर। तो जिस ब्रांच में आप मौजूद होते हैं आप मर्ज कॉल करके जिस ब्रांच का नाम देते हैं, डेव में मैं मौजूद हूँ और मैं मास्टर ब्रांच का नाम दे रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मास्टर ब्रांच को डेव में मर्ज कर दो। ये हो गया। अब देखें हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ गया। अब डेव ब्रांच में भी सारे के सारे कमिट्स मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ब्रांचेस पे काम कर सकते हैं और उन ब्रांचेस में कमिट्स करके एक ब्रांच का कोड दूसरे ब्रांच में आप मर्ज करेंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम ब्रांचेस में जो कमिट कर रहे होंगे वो एक वक्त में दोनों ब्रांचेस में चेंजेस मौजूद होंगे, उस वक्त हम जब मर्ज करेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ हमें समझनी है। तो इस वक्त मेरे पास किट ब्रांच में दो ब्रांचेस मौजूद हैं, मैं एक और ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ किट ब्रांच, बल्कि ब्रांच क्रिएट नहीं करते हम, इसी ब्रांच में काम करते हैं। किट चेकआउट मास्टर किट स्टेटस, इस वक्त मास्टर ब्रांच में ये फाइल्स मौजूद हैं, मैंने मास्टर में एक फाइल ऐड की किट स्टेटस, कमिट करेंगे फाइल को
अब ये बता रहा है कि हमारे पास डेव ब्रांच यहाँ तक मौजूद है, मास्टर ब्रांच यहाँ मौजूद है। गेट चेकआउट डेव। अब हम डेव में आ गए और फोर्थ फाइल गायब हो गई है। अब मैंने यहाँ पे आके एक फाइल ऐड की। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं फाइल ऐड हो, कोई टेक्स्ट चेंज भी हो सकता है। फिफ्थ, गेट स्टेटस, डेव ब्रांच में हम कमिट करने जा रहे हैं फिफ्थ और टीएक्सटी। अब क्योंकि डेव ब्रांच में एक एडिशनल कमिट आ गया है, डेव ब्रांच में ये फिफ्थ और सेकंड और फिफ्थ मौजूद है, जबकि मास्टर ब्रांच में फोर्थ और टीएक्सटी भी मौजूद है। अब मास्टर में और डेव में दोनों में एक एडिशनल कमिट मौजूद है जो कि एक दूसरे के पास नहीं है। गेट लॉग मास्टर डेव, ये एक एडिशनल कमिट है जो कि डेव में है। ये एडिशनल कमिट है जो कि मास्टर में मौजूद है। तो दोनों में एक एक कमिट मौजूद है। अब मैं या तो डेव को मास्टर में मर्ज करूंगा या मास्टर को डेव में मर्ज करूंगा। इस वक्त हम मास्टर में मौजूद हैं, तो डेव को मास्टर में मर्ज कर लेते हैं हम। गेट मर्ज डेव। अब देखिए, डेव यहाँ पे मौजूद है, मास्टर यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त एक एडिशनल कमिट क्रिएट हुआ है, इसका नाम है मर्ज ब्रांच डेव। जब भी आपकी दो ब्रांचेज हैं जिनमें अलग अलग चेंजेस मौजूद होती हैं, तो मास्टर जिस भी ब्रांच में आप कमिट करने जाते हैं उस ब्रांच में एक एडिशनल कमिट क्रिएट होता है। अगर मैं गिट लॉग दोबारा से देखूं, तो इस वक्त आपके पास थर्ड मौजूद था, उसके बाद सेकेंड और फोर्थ। मास्टर में हमने फोर्थ ऐड किया था, डेव में फिफ्थ ऐड किया था। तो अब डेव के चेंजेस मास्टर में आ चुके हैं। जब भी ऐसी मर्जिंग होती है जहाँ पे दोनों ब्रांचेस में चेंजेस होती हैं, तो एक मर्ज कमिट क्रिएट होता है, जैसा कि यहाँ पे क्रिएट हुआ है मर्ज डेव ब्रांच। अब मैं गिट चेकआउट डेव पर जाता हूँ। डेव में इस वक्त थर्ड सेकंड मौजूद है, फिफ्थ मौजूद है, फोर्थ मौजूद नहीं है क्योंकि वो मास्टर में है। और हमने डेव के चेंजेस मास्टर में मर्ज कर दिए हैं, लेकिन मास्टर के चेंजेस डेव में मर्ज नहीं हुए हैं। तो अब हम मास्टर के चेंजेस को डेव में लाएंगे। डेव में हम पहले से मौजूद हैं, गेट मर्ज मास्टर किया। डेव में भी फोर्थ डॉट टी एक्स टी आ गई है। अब आप किसी भी वक्त किसी भी ब्रांच में जाएंगे, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांचों फाइल्स नज़र आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डेव ब्रांच में। मैं मूव करता हूँ मास्टर में, भी यही सारी फाइल्स मौजूद हैं। तो जब भी आप टीम में काम कर रहे होंगे या खुद एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल फीचर्स पे काम कर रहे होंगे, तो आपके पास अलग अलग ब्रांचेज होंगी। उन ब्रांचेज को किसी ना किसी पॉइंट पे मर्ज करना होगा ताकि सारा कोड एक जगह पर आ जाए। उसके लिए आप ब्रांचेज क्रिएट करेंगे और उन ब्रांचेज को इस तरीके से डिफरेंट पॉइंट पर मर्ज करेंगे। अब हम ब्रांचेज के एग्जाम्पल को UI टूल स्मार्ट गेट के थ्रू करेंगे, ताकि हम UI के थ्रू भी ब्रांचेज को क्रिएट करना और मर्ज करना
देख सकें। इस वक्त हम माई प्रोजेक्ट पे मौजूद हैं, जिसमें पहले से ही हमारे कुछ कमिट्स मौजूद हैं, जो हम अभी तक जितना हमने उसमें काम किया है। लेफ्ट साइड पे हमें नज़र आ रहा है ये प्रोजेक्ट, और इसमें मास्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब हम मास्टर ब्रांच पे हैं। नीचे ब्रांचेस की लिस्ट आ रही है, इस प्रोजेक्ट में जितनी भी ब्रांचेस होंगी उनकी लिस्ट आ रही होगी। इस वक्त हमारे पास एक ही ब्रांच है मास्टर, इस वजह से एक ही ब्रांच नज़र आ रही। अब मैं यहाँ पर आके ब्रांच में ऐड ब्रांच पे क्लिक करूँगा, मैं डेफ लिखूँगा, ऐड ब्रांच पे क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ ब्रांच ऐड करेगा। ऐड ब्रांच एंड चेकआउट पे क्लिक करूँगा तो ब्रांच को ऐड करेगा और हमें इस ब्रांच में मूव भी कर देगा। इस वक्त मैं सिर्फ ऐड ब्रांच करता हूँ, ब्रांच ऐड हो गई है, और इस वक्त नज़र आ रहा है कि हम यहाँ पे मास्टर लिखा हुआ है और ये मास्टर यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका मतलब हम मास्टर ब्रांच पे। डेफ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये पूछ रहा है कि अब ब्रांच पे मूव होना है, चेकआउट करना है उस ब्रांच पे। चेकआउट पे क्लिक किया, अब हम डेफ ब्रांच पे मूव हो गए। अब मैं यहाँ पे आके फाइल एड करूँ, thread.txt हेलो वर्ल्ड। जब स्मार्ट ग्रिड में आके देखा, हम डेव ब्रांच में मौजूद हैं, एक फाइल आ गई है, इसको मैं कमिट करता हूँ। अब ये हमारे लॉग्स में आ गई है, अब ये देख रहे हैं लॉग्स में बता रहे हैं मास्टर यहाँ तक मौजूद है और डेव में हम यहाँ पहुँच गए हैं। मास्टर पे मूव करें, फिर से चेकआउट लॉग्स देखें, मास्टर दिखा रहा है यहाँ तक मौजूद है, जो एक एडिशनल कमिट था वो भी नहीं है, और thread.txt फाइल यहाँ से भी गायब हो गई है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डेव को मर्ज करें मास्टर में। मास्टर पे मौजूद हैं, मर्ज पे क्लिक किया, ब्रांचेस कौन कौन से ब्रांचेस, डेव और मास्टर को मर्ज करना है। मैंने दोनों ब्रांचेस सेलेक्ट की, क्लोज किया। इस वक्त क्योंकि हम मास्टर ब्रांच में मौजूद हैं और हमें डेव की चेंजेस लेकर आनी है, तो हमें ये डेव इस पर क्लिक करना पड़ेगा कि डेव के चेंजेस लेकर आनी है। क्रिएट मर्ज कमिट और इसने मर्ज कर दिया। अब डेव में जो भी चेंजेस थे वो मास्टर में आ चुके हैं। यहाँ पर आके देखते हैं, thread.txt आ गई है मास्टर में। अब मैं मास्टर में रहकर कोई चेंज करता हूँ, first.txt के अंदर मैंने ऐड किया, first.txt फाइल, चेंजेस मर्ज, अब वो नज़र आ रहा है चेंजेस, मैंने इसे कमिट किया। कमेंट हो गया, लॉग्स देखेंगे, ये नज़र आ रहा है कि डेव जो है इस पॉइंट पर मौजूद है जबकि मास्टर इस पॉइंट पर मौजूद है, ये हमें कमिट्स में दिखा रहा है। इस वक्त first.txt में ये एडिशनल लाइन मौजूद है। अब मैं मूव करना चाहता हूँ दोबारा से डेव पे, डबल क्लिक किया, डेव ब्रांच पे आ गया मैं, यहाँ पर आके चेक किया, फर्स्ट में वो लाइन मौजूद नहीं है क्योंकि वो सिर्फ मास्टर ब्रांच में मौजूद है। अब मैं चाहता हूँ मास्टर ये जो चेंजेस हैं वो डेव में आ जाएं, डेव ब्रांच में मैं मौजूद हूँ, मैं मर्ज पे क्लिक करूँगा, ब्रांचेस सेलेक्ट करेंगे कौन कौन सी, ये दोनों ब्रांचेस ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं डेव और मास्टर, और अब मैं कौन से चेंजेस लाना चाहता हूँ, इस वक्त सेलेक्टेड है ये, मैं मास्टर के चेंजेस लाना चाह रहा हूँ, तो मैं मास्टर पे क्लिक करूँगा, क्रिएट मर्ज कमिट और डेव में भी चेंजेस आ गई हैं। इस तरीके से आप अपने चेंजेस को UI टूल के थ्रू ब्रांचेस क्रिएट करेंगे और मर्ज करेंगे। अब हम ब्रांचेस की कोई एग्जांपल देखते हैं जिसमें दोनों ब्रांचेस में कोई ना कोई चेंजेस मौजूद हैं और जब मर्ज करने जाते हैं तो क्या होता है। इस वक्त मैं मास्टर ब्रांच में मूव हो रहा हूँ और मास्टर ब्रांच में आके एक फाइल ऐड कर रहा हूँ, फाइल ऐड कर दी, स्मार्ट किट में देखा मैंने
4.txt कमिट करेंगे इसे, मास्टर में एक फाइल ऐड हो गई है 4.txt और वो कमिट हो गई है। अब मैं मूव होता हूँ डेव पे, डेव ब्रांच में मूव हुए, डेव में 4.txt नज़र नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि वो मास्टर ब्रांच में ऐड हुई थी। डेव ब्रांच में आके मैं एक फाइल ऐड करता हूँ, कमिट करेंगे इस फाइल को, इस वक्त हम डेव ब्रांच में मौजूद हैं, तो ये 5.txt डेव ब्रांच में कमिट हो रही है। लॉग्स देखते हैं, इस वक्त डेव में 5.txt है और मास्टर 4.txt पर मौजूद है। अब मैं मास्टर ब्रांच में मूव हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि डेव ब्रांच के चेंजेस मास्टर में आ जाए। याद रहे मास्टर में कुछ एडिशनल कमिट्स हैं और डेव में कुछ एडिशनल कमिट्स हैं। मर्ज ब्रांचेस, दोनों ब्रांच है कि डेव और मास्टर, जिन दो ब्रांचेस को मर्ज करना है। क्लोज, क्रिएट, क्रिएट मर्ज कमिट, मर्ज सक्सेसफुल। अब ये मर्ज हो चुका है और यहाँ पे आपके पास फोर डॉट टी एक्स टी मास्टर ने आके मर्ज किया। अच्छा, क्योंकि आपने डेव्स के चेंजेस लाने हैं तो इस वक्त मास्टर क्लिक हुआ हुआ है, आपको डेव क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि डेव के चेंजेस लाने हैं। डेव पे क्लिक किया आपने, क्रिएट मर्ज कमिट, अब ये मर्ज हो गया। अब आपके पास 5.txt जो कि डेव ब्रांच में थी वो आ गई है। पहले ये हो रहा था कि जब मैं मर्ज कर रहा था तो क्योंकि मुझे डेव को मास्टर में मर्ज करना था, यहाँ पे मास्टर सेलेक्टेड था, जिस ब्रांच के लास्ट कमिट को आपने लाना होता है उस लास्ट कमिट को यहाँ सेलेक्ट करना ज़रूरी है, तो वो मैंने किया तो हमारे पास मास्टर में आ गया। अब मैं डेव पे मूव करता हूँ, जब मैंने डेव पे मूव किया अब यहाँ पे 5.txt मौजूद है लेकिन 4.txt मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने डेव ब्रांच के कमिट्स मास्टर में मर्ज कर दिए लेकिन मास्टर ब्रांच के कमिट डेव ब्रांच में मर्ज नहीं किए हैं। अब डेव ब्रांच में खड़े होकर हम मर्ज पे क्लिक करेंगे, ब्रांचेस सेलेक्टेड हैं। अब ये मर्ज करते हुए अगर डेव ही सेलेक्टेड हुआ और क्रिएट मर्ज कमिट किया, मर्ज कमिट, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा। आउटपुट देखते हैं, इसमें देखें ये बता रहा है ऑलरेडी अप टू डेट। क्यों? क्योंकि मर्ज करते हुए मैं डेव में मौजूद हूँ, मास्टर को मर्ज करना है लेकिन सेलेक्टेड डेव है तो मुझे मास्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर क्रिएट मर्ज कमिट करूँगा, क्रिएट मर्ज कमिट, अब मर्जिंग हुई है। आउटपुट यहाँ विंडो से, आउटपुट विंडो आप मंगवा सकते हैं, उसमें जो भी एक्टिविटी हो रही होती है उसका आउटपुट आपको नज़र आता रहता है। अब यहाँ पर आके देखें तो हमारे पास डेव ब्रांच में 4.txt फाइल आ गई है। अब दोनों ब्रांचेस के पास सेम कमिट्स मौजूद हैं और सारे के सारे चेंजेस दोनों ब्रांचेस में अवेलेबल हैं। अब हम एक मुश्किल एग्जांपल सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं जिसमें होता यह है कि आप मल्टीपल ब्रांचेस में जब काम करते हैं तो हो सकता है कि डिफरेंट ब्रांचेस में सेम फाइल पे चेंजेस हों, जिसकी वजह से फाइल जब मर्ज होने जाएगी दोनों फाइल्स दोनों ब्रांचेस में सेम फाइल पे चेंज हुआ होगा,
जब आप ब्रांचेस को मर्ज करने जाएंगे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। स्मार्ट गेट या आपका गेट ये नहीं समझ पाएगा कि कौन से चेंज को रखना है और कौन से चेंज को इग्नोर करना है। वहाँ पर फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और आपको वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले वो सिनेरियो देखते हैं जिसमें डिफरेंट लाइन पे चेंज होगा, जिसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। फिर हम देखेंगे कि अगर सेम लाइन सेम एरिया में चेंज हो तो क्या होगा। तो इस वक्त इस डेव ब्रांच पे मौजूद हैं, मैं इसको मूव करता हूँ मास्टर ब्रांच पे। मास्टर ब्रांच पे आए और एक फाइल मौजूद है हमारे पास first.txt। first.txt में मैंने यहाँ पे आके एक चेंज लिखा और इसे कर दिया कमिट। मास्टर ब्रांच में एक चेंज कमिट हो गया। अब मैं डेव ब्रांच पे मूव करूँगा। डेव ब्रांच पे मैंने मूव किया और first.txt में वो चेंज मौजूद नहीं है। first.txt में मैं पहली लाइन पे जहाँ वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर न्यू चेंज इन वर्ल्ड ये मैंने चेंज कर दिया। और डेव ब्रांच में रहते हुए मैंने इस चेंज को कमिट कर दिया। अब समझने की बात यह है कि दोनों ब्रांच में आप अलग अलग चेंज क्यों करेंगे। ये इस वक्त क्योंकि हम सिंगल यूज़र के तौर पे काम कर रहे हैं। जब आप टीम में काम करेंगे, आपके टीममेट्स होंगे, मल्टीपल लोग अलग अलग प्रोजेक्ट पे अलग अलग ब्रांच पे काम कर रहे होंगे और चांसेस हैं कि वो सेम फाइल में चेंज करें। जब सेम फाइल में चेंज होगा और आप उन सारे चेंजेस को जब फाइनली फाइनल प्रोडक्शन ब्रांच में डालेंगे ताकि आप उस पूरे कोड को डिप्लॉय कर सकें, तो आपको कोड को मर्ज करना पड़ेगा। जब आप कोड को मर्ज करने जाएंगे तो उन फाइल्स में कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्योंकि दो टीममेट्स ने सेम फाइल में चेंज किया होगा। जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि मास्टर ब्रांच में हमने चेंज किया है first.txt में और डेव ब्रांच में भी वही काम किया है। अब मैं मास्टर ब्रांच पे मूव होता हूँ और मैं कहता हूँ मर्ज करो डेव को मास्टर में। इस वक्त हमने क्योंकि डिफरेंट फाइल्स के ऐसे सेक्शन पे चेंजेस किए हैं जो कि आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे, क्रिएट मर्ज कमिट मर्ज हो गया। मैं यहाँ पर आके देखूँगा इस वक्त हम मास्टर में मौजूद हैं। first.txt न्यू चेंज इन वर्ल्ड भी आ गया और जो मास्टर का चेंज था वो भी मौजूद है। अब अगर मैं चेकआउट करूँ और डेव पे जाऊँ तो डेव में सिर्फ न्यू चेंज मौजूद है क्योंकि हमने डेव के चेंजेस मास्टर में मर्ज कर दिए हैं लेकिन मास्टर के चेंजेस अभी डेव में मर्ज नहीं किए। तो अब मैं आकर मास्टर के चेंजेस को डेव में मर्ज कर देता हूँ। ये भी मर्ज हो गया खामोशी से, कोई एरर नहीं आया, चेंजेस अपडेट हो गए। यहाँ पर आपने सेम फाइल में चेंज किया है लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे, जिसकी वजह से आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। तो अगर आपके दो टीममेट सेम फाइल में काम कर रहे हैं और उस फाइल में डिफरेंट लोकेशंस हैं जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही, तो कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो हुआ कि फाइल्स भी सेम हुई और सेम लाइन पे चेंज आया तो क्या होगा, ये हम अगले एग्जांपल में देखते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें सेम फाइल पे दो ब्रांचेस में चेंजेस हों सेम लाइन ऑफ कोड पे, उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैं मास्टर ब्रांच पे मूव होता हूँ और मास्टर ब्रांच में second.txt में ये जो लाइन है यहाँ पर मैंने लिख दिया
ये लाइन ऐड कर दी सेकेंड डॉट टी एक्स टी में मास्टर ब्रांच पे, और इस फाइल को कर दिया मैंने कमिट। अब मैं डेव ब्रांच पे मूव करूंगा। जब मैं डेव ब्रांच पे आया सेकेंड डॉट टी एक्स टी में उस वो लाइन एम्प्टी है। अब आप अज्यूम करें ये आपका एक दूसरा टीममेट है जो कि डेव ब्रांच पे काम कर रहा है, आप मास्टर ब्रांच पे काम कर रहे हैं। आपने मास्टर ब्रांच में सेकेंड डॉट टी एक्स टी में सेकेंड लाइन में कुछ टेक्स्ट लिख दिया है। अब आपका टीममेट डेव ब्रांच में मौजूद होते हुए सेकेंड डॉट टी एक्स टी में ही कोई और टेक्स्ट ऐड कर देता है। ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा और कमिट किया। यहाँ एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ जो समझने की चीज़ है, आप जब भी जिस ब्रांच में मौजूद होते हैं उस आपके फोल्डर में उस ब्रांच की फाइल्स नज़र आ रही होती हैं। आप ब्रांच चेंज करते हैं तो डिफरेंट ब्रांच की फाइल्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इससे आपको मेंटेन करना आसान रहता है। सारा हेडेक गिट का है, किस ब्रांच में क्या चेंजेस हैं, क्या फाइल्स हैं, किस फाइल में क्या चेंज है, सब कुछ गिट मेंटेन करता है। आपको ना कोई बैकअप बनाने की, ना फोल्डर्स बनाने की, अलग अलग फाइल्स को मेंटेन करने की कि किस वक्त किस फाइल में क्या चेंज था, आपको अलग से कहीं रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। गिट ये सारा कुछ कर रहा होता है। अब हमने सेकेंड डॉट टी एक्स टी में डेव ब्रांच में रहते हुए भी चेंजेस कर दिए हैं। अब मैं मूव होता हूँ मास्टर ब्रांच पे। अच्छा, डेव पे रहकर पहले मास्टर को भी मर्ज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्टर पे रहकर डेव को मर्ज कर लें, सेम एक ही बात है। मास्टर में आया, मर्ज पे क्लिक किया, ब्रांचेस, डेव और मास्टर ब्रांच सेलेक्ट होनी चाहिए क्योंकि इस वक्त दो ही ब्रांचेज हैं। अगर तीन ब्रांचेज होती तो जिन दो ब्रांचेज को मर्ज करना है वो दो ब्रांचेज टिक होनी चाहिए। मास्टर ब्रांच पे मैं मौजूद हूँ, मुझे डेव के चेंजेस चाहिए। क्रिएट मर्ज कमिट कॉन्फ्लिक्ट। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है मर्ज करते हुए ऑटो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है। जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसके बाद स्मार्ट गेट या गेट मर्ज नहीं कर सकते, वो आपको एरर दे देते हैं। और जिस फाइल में कॉन्फ्लिक्ट आता है उस पे एक्सक्लेमेटरी का साइन रेड कलर के साथ आ जाता है। जब आप उस पे डबल क्लिक करेंगे तो स्मार्ट गेट आपको लोकेशन और चेंजेस दिखाता है कि क्या चेंजेस हैं और क्या प्रॉब्लम है। ये कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनल के थ्रू रिजॉल्व करना मुश्किल है, टर्मिनल में इतना आसान नहीं है, इसीलिए टर्मिनल के थ्रू मैंने एग्जांपल दी भी नहीं है। स्मार्ट ग्रिड या किसी भी यूआई टूल के थ्रू इस कॉन्फ्लिक्ट को देखना और रिजॉल्व करना आसान है। अब जिस फाइल में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था उस पर जब मैंने डबल क्लिक किया तो इसने मुझे स्टेट दिखाई है मास्टर आर्स डेव देयर्स, क्योंकि इस वक्त हम मास्टर ब्रांच में मौजूद हैं और डेव ब्रांच को अपने पास मर्ज कर रहे हैं। एक तरफ आ रहा है आर्स यानी कि जो हमारी करंट ब्रांच है, दूसरी तरफ आ रहा है देयर्स यानी कि जिस ब्रांच को आप मर्ज कर रहे हैं, और बीच में आपके पास आ रहा है वर्किंग ट्री। वर्किंग ट्री बता रहा है कि इन दोनों को जब मर्ज किया जाएगा तो ये रिजल्ट आएगा। इस वक्त ये एडिशनल लाइंस हैं। अच्छा, क्योंकि इस वक्त टेक्स्ट फाइल्स हैं, अगर ये एज इट इज चली जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं, आपकी HTML फाइल होगी, JavaScript फाइल होगी, C# फाइल होगी, JS फाइल होगी, जावा की फाइल्स होंगी, उसमें अगर ये टेक्स्ट, ये लेस देन के साइन हेड, ये अगर आ जाएंगे तो आपका कोड कंपाइल नहीं होगा, फिर कोड में एरर आ जाएगा। अच्छा, अब ये बताता क्या है, ये बता ये रहा है, आप देखें अगर तो यहाँ पे नज़र आ रहा है मास्टर में जो हमने ऐड किया था मास्टर में दैट द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, डेव में ऐड किया था दिस इज अ चेंज इन डेव। अब क्योंकि हम मर्ज कर रहे हैं डेव ब्रांच को मास्टर में,
तो ये कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी लाइन को रखूं, सेम लाइन पे दो डिफरेंट टेक्स्ट आ रहे हैं तो मैं क्या करूं। अब हम वर्किंग ट्री में मौजूद हैं, वर्किंग फाइल में। हेड ये बता रहा है जो हमारी करंट ब्रांच है उसका चेंज ये है, और ये बता रहा है जो दूसरी ब्रांच से चेंज आया है। हेड के बाद जो भी होता है हमारी करंट ब्रांच होती है, और इक्वल्स के साइन के बाद जो भी चेंज होता है वो हमारे ब्रांच में आ रहा होता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि ये एडिटेबल है यहाँ पर, पहला ऑप्शन ये है कि मैं जो एडिशनल मार्कर साइन थे गिट की तरफ से जो ऐड किए गए थे उनको रिमूव कर दूँ। जब मैं उनको रिमूव करूँगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये दोनों लाइंस रखनी है, या फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे हेड में नहीं रखना, मुझे डेव का रखना है तो मैं ये लाइन रिमूव कर दूँगा, या फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे टैब नहीं रखना और हेड रखना है तो ये लाइन रिमूव कर दूँगा। अब ये आपके ऊपर है कौन सा चेंज आपने रखना है, कौन सा चेंज आपने नहीं रखना। जब आप टीम में काम कर रहे होंगे तो आप अपने टीम मेट के साथ बैठ के डिसाइड करेंगे कि किस चेंज को रखना है और किस चेंज को रिमूव कर देना है। इस वक्त मैं दोनों चेंज को रहने देता हूँ। ये किया, सेव पे क्लिक किया, ये सेव हो गया है। अब जब इसको मैं क्लोज करने जाऊंगा, ये कहेगा क्या मैं स्टेज कर दूं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट था इस वजह से ये मर्ज नहीं हो पाया था। अब कॉन्फ्लिक्ट आपने रिजॉल्व कर दिया, कुछ चेंजेस हैं, फाइल को स्टेज करेंगे, फाइल स्टेज हो गई है, अब आप कमिट करेंगे। कमिट करते हुए ये अपना इसने एक कमिट मैसेज दिया, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ वो मैसेज रहने दें और कमिट कर दें। अब मास्टर ब्रांच में वो चेंजेस आ गई हैं जो आप रखना चाह रहे थे, इन द क्विक ब्राउन फॉक्स और ये चेंज, मास्टर ब्रांच अपडेट हो गई है। लेकिन डेव ब्रांच पे आते हैं, डेव ब्रांच में सेकंड में अभी तक एक लाइन मौजूद है, क्योंकि डेव ब्रांच में अभी तक हमने मर्ज नहीं किया है मास्टर को। अब हम डेव ब्रांच में मास्टर को मर्ज कर लेते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मर्जिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब डेवलपमेंट में काम कर रहे होंगे, दो टीममेट्स काम करोगे, मुझे अपना कोड अपने टीममेट को देना है, मेरे टीममेट ने अपना कोड मुझे देना है, तो ये मेरा कोड टीममेट अपने पास मर्ज करेगा, टीममेट का कोड मैं अपने पास मर्ज करूँगा, तो ये मर्जिंग बहुत ज़रूरी है। मर्ज पे क्लिक किया, ब्रांचेस चेक की, दोनों सेलेक्टेड हैं। अब मुझे मास्टर के चेंजेस अपने पास लाने हैं, तो मुझे मास्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्रिएट मर्ज कमिट, मर्ज हो गया, कोई एरर नहीं आया। सेकंड में जाके देखते हैं। अच्छा, अब एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि हम पहले ही उसको मास्टर में रिजॉल्व कर चुके थे और वो दो लाइंस मौजूद थी, तो अब गिट ने खुद आइडेंटिफाई कर लिया कि इस लाइन को इसके नीचे आना है, वरना गिट आपको एरर देता इस पॉइंट इन टाइम पे भी, और रिजॉल्व करने के लिए कहता कि इसको रिजॉल्व करें। तो जब भी आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा, आपके पास स्मार्ट गेट के थ्रू या किसी भी यूआई टूल के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना आसान है। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा आप उस पे कॉन्फ्लिक्ट की फाइल पे जाएंगे, रिव्यू करेंगे, जो चेंज आपको चाहिए रखना है वो आप रखेंगे, जो चेंज आपको नहीं रखना है वो आप रिमूव करेंगे, मर्ज करेंगे, कमिट स्टेज करेंगे और कमिट कर देंगे। स्टैश गिट पे जब आप काम करते हैं, जैसा कि अभी मैंने हमने जिक्र किया, देखा ब्रांचेस को, कि जब भी आप कोई चेंज करते हैं वो चेंज उसी पर्टिकुलर ब्रांच में रहता है, आप ब्रांच स्विच करते हैं, डिफरेंट ब्रांच में चले जाते हैं, वहाँ पर वो चेंजेस नहीं होते। लेकिन वो इसलिए पॉसिबल है कि आप ब्रांच में जो भी चेंज करते हैं उस ब्रांच में कमिट कर देते हैं। कभी भी कमिट आप हाफ डन कोड को नहीं करते। तो अगर आपका कोड है उसमें बग्स मौजूद हैं, अभी आपकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, लेकिन अचानक कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया जिसकी वजह से आपको ब्रांच स्विच करनी है, तो आप कमिट कर नहीं सकते। तो इसलिए टेम्परेरीली आपको कहीं पे अपने चेंजेस को सेव करना है, उसके लिए
स्टैश मौजूद है, एक क्लिपबोर्ड है जो कि गिट के अंदर ही मौजूद है। आप अपनी फाइल्स को स्टैश करते हैं, वो टेम्प्ररली सेव हो जाती हैं गिट में, ना वो कमिट होती हैं ना कहीं हिस्ट्री में होती हैं, लेकिन वो टेम्प्ररली सेव हो जाती हैं। तो गिट स्टैश करके आप उन फाइल्स को सेव कर लेते हैं और आप डिफरेंट ब्रांच में मूव हो जाएं, जो भी काम करना है करें, करंट ब्रांच पे वापस आएं और स्टैश को रीअप्लाई करें, तो जो भी आपने चेंजेस किए थे वो फिर से वापस आ जाएंगे। अब आप उन चेंजेस पे काम करें, उनको कमिट करें और उस पर फर्दर कमिट करने के बाद आगे बढ़ जाएं। आप स्टैशेस जितने चाहें कर सकते हैं, जितनी बार अपने कोड को सेव करना चाहें। ये टेम्पररी एक जगह एरिया होता है जो गिट में मौजूद होता है और ये लॉन्ग टर्म होता है। ऐसा नहीं है कि घंटे दो घंटे के लिए है या सिस्टम रीस्टार्ट किया तो वो रिमूव हो जाएगा, वो पार्ट रहता है गिट का लेकिन हिस्ट्री का पार्ट नहीं होता। तो आपने जो चेंज किया है स्टैश करें, कुछ सेव हो जाएंगे और आप रीअप्लाई करेंगे तो चेंजेस वापस आ जाएंगे। स्टैश की कमांड्स क्या हैं? गिट स्पेस स्टैश, आपकी फाइल स्टैश हो जाएगी। गिट स्पेस स्टैश लिस्ट, तो आप सारी लिस्ट देख लेंगे कौन कौन से स्टैश मौजूद हैं। गिट स्टैश पॉप, जब आप करेंगे तो आपकी लास्ट जो चीज़ स्टैश की होगी वो अप्लाई हो जाएगी और स्टैशेज की हिस्ट्री से रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टैश अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो स्टैशेज की हिस्ट्री में भी मौजूद रहे, तो आप करेंगे गिट स्टैश अप्लाई और उस अपने स्टैश का नाम दे देंगे, तो वो पर्टिकुलर स्टैश अप्लाई हो जाएगा, वो आपकी स्टैशेज की हिस्ट्री में टेम्प्ररी क्लिपबोर्ड जो आपका है उसमें मौजूद भी रहेगा और अप्लाई भी हो जाएगा। चेंजेस आपके पास आ जाएंगे, आप उनको काम करें, कमिट करें और फिर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर दें। अब हम स्टैश का डेमो देखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी फाइल्स को स्टैश करेंगे, ब्रांच पे स्विच करेंगे, फिर दोबारा से उस पर्टिकुलर ब्रांच में वापस आएंगे और अपने स्टैश को रीअप्लाई करके चेंजेस करके कमिट करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ चेंजेस मौजूद हैं जो कि हमने कमिट नहीं किए और हम कोई और काम करना चाहते हैं, किसी और दूसरे ब्रांच में मूव होना चाहते हैं, कोई हॉटफिक्स आया है जिसे फिक्स करने के लिए हमें ब्रांच स्विच करनी है, जो करंट ब्रांच डायरेक्टरी में चेंजेस हैं हम उसे कमिट नहीं कर सकते क्योंकि वो काम कम्प्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट वर्क को कमिट नहीं करना चाहिए जिससे आपकी ब्रांच की रिपोजिटरी की हिस्ट्री में प्रॉब्लम आ सकती है कि उस पर्टिकुलर कमिट पे अगर आप जाकर देखेंगे तो आपका कोड वर्केबल नहीं होगा। इसलिए अनकम्प्लीट कोड जो कि वर्किंग कंडीशन में ना हो उसे कमिट नहीं करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो कहीं टेम्प्रेली सेव कर दें, डिस्कार्ड कर देंगे अगर चेंजेस तो वो हमारे किसी काम के नहीं होंगे, हमें अब दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं टेम्प्रेली चेंजेस सेव हो जाएं। गिट ने इसके लिए फीचर दिया हुआ गिट स्टैश, उससे क्या होगा कि जो भी आपके चेंजेस हैं वो गिट के पास सेव हो जाएंगे टेम्प्रेली और आप उसे बाद में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं देखता हूँ मेरी करंट डायरेक्टरी में कोई चेंज मौजूद नहीं है, मैं फाइल में आया, मैंने forth.txt में लिखा हेलो वर्ल्ड, सेव किया गिट स्टेटस। अब मैं किसी ब्रांच में मूव होना चाहता हूँ या इसी ब्रांच में कोई और काम करना चाहता हूँ और इन चेंजेस को टेम्प्ररली सेव करना चाह रहा हूँ, यहाँ से हटा दें ताकि गिट स्टैश गिट स्टेटस। अब ये चेंज यहाँ से जो हमने चेंज किए थे गायब हो गए, अब वो चेंज मौजूद है लेकिन गिट के पास सेव हुआ है। कैसे देखें? गिट स्टैश लिस्ट, तो ये वो चेंज ये बता रहा है आपके स्टैश कौन कौन से हैं जो कि मौजूद हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जैसे कि इस वक्त फॉर एग्जांपल काम कर लिया है, मैं आया और अपने चेंजेस को रीअप्लाई करना चाहता हूँ, गिट स्टैश पॉप। पॉप क्या करेगा? आपके स्टैश की एक से ज़्यादा लिस्ट में एक से ज़्यादा स्टैशेस हो सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स आपने स्टैश किया होगा, तो जो लास्ट स्टैश होगा उसको अप्लाई करेगा और लिस्ट में से रिमूव कर देगा। ये देखें, ये अप्लाई कर दिया हमारे पास forth.txt में, चेंजेस फिर से वापस आ गए और गिट स्टैश लिस्ट में देखें तो वो ख़त्म हो गए। इस वक्त हमने गिट स्टैश फिर से लिखा, फिर ये चेंजेस सेव हो गए, लिस्ट आ गई है और आपके करंट डायरेक्टरी में कोई चेंज मौजूद नहीं है। अब मैं चाहूँ कि इस स्टैश को अप्लाई करने के बजाय एक और चेंज करता हूँ, थर्ड डॉट txt में आया,
न्यू चेंज करके सेव किया, गिट स्टेटस चेंज आ गया है। अब मैं फिर इसे सेव करना चाहता हूँ, मैंने लिखा गिट स्टैश सेव फर्स्ट, गिट स्टैश लिस्ट। अब आप देखें, आपने जो चेंज किया था उसे आपने कोई नाम भी दे दिया। डिस्क्रिप्शन देने से ये फ़ायदा होगा कि जब आप सेव करने जाएंगे तो आप बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टैश में, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कमेंट के तरीके से कि क्या क्या इसमें चेंज मौजूद है, ताकि जब आप स्टैश की लिस्ट रिव्यू कर रहे हो तो आपको पता हो कि मुझे कौन सा स्टैश अप्लाई करना है। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि अब मैं फर्स्ट स्टैश अप्लाई करने के बजाय ये जो स्टैश पहले किया था वो अप्लाई करूँ। नॉर्मली मैं गेट स्टैश पॉप करूँगा तो ये स्टैश अप्लाई होगा, फिर से पॉप करूँगा तो फिर ये अप्लाई होगा। इस वक्त मैं सिर्फ गेट स्टैश अप्लाई ये जो स्टैश का नाम है इसके थ्रू आप स्टैश को अप्लाई करेंगे, गेट स्टैश अप्लाई। तो फोर डॉट टीएक्सटी में जो हमने चेंज किया था वो वापस आ गया, और थर्ड डॉट टीएक्सटी में जो चेंज किया था वो वापस नहीं आया। मैं चाहता हूँ उसको भी अप्लाई कर लूँ। अब देखें गेट स्टैश अब देखें गेट स्टैश सारे चेंजेस फिर से सेव हो गए, गेट स्टैश लिस्ट। अब तीन चेंजेस आ रहे हैं और करंट डायरेक्टरी एम्प्टी है। मैं आया, मैंने कहा गेट स्टैश अप्लाई स्टैश एट द रेट टू, फोर्थ डायरेक्टरी में जो चेंज था फोर्थ की फाइल में वो आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये वाला स्टैश ये भी साथ साथ अप्लाई कर दूँ, गेट स्टैश अप्लाई। यहाँ आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर किसी वक्त आपने कोई ऐसा चेंज किया जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग फाइल्स में होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। गेट स्टैश वन। अब आप देखें आपके दोनों चेंजेस मौजूद हैं, फोर्थ डॉट टी एक्स टी का चेंज भी और थर्ड डॉट टी एक्स टी के चेंज भी, दोनों चेंज आपके पास मौजूद हैं। गेट स्टेटस, दोनों फाइलों के चेंज आ रहे हैं। अब आप इसको कमिट करना चाहते हैं कमिट कर लें, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर लें। लेकिन जब भी आपको कोई चेंज टेम्परली सेव करना होगा आप कहेंगे गेट स्टैश और आप स्टैश का नाम दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेव हो जाए तो एंटर कर देंगे, गेट स्टैश लिस्ट से लिस्ट आ जाएगी। गेट स्टैश अप्लाई से जब आप स्टैश अप्लाई करते हैं तो वो स्टैश लिस्ट में से रिमूव नहीं होता, मौजूद रहता है, आप उसे दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं अपनी स्टैश की लिस्ट क्लियर करना तो आप लिखेंगे गेट स्टैश क्लियर, गेट स्टैश क्लियर। तो अब आपके स्टैश की जो लिस्ट थी वो क्लियर हो गई। तो आप टेम्परली अपने चेंजेस को सेव करेंगे, ब्रांच पे मूव करें, किसी पे भी जाएं, दोबारा से उन चेंजेस को अप्लाई करें और उस पर फर्दर काम करें। अब हम देखते हैं कि हम स्टैश को स्मार्ट गेट के थ्रू कैसे मैनेज करेंगे। अगर स्मार्ट गेट की यूआई के थ्रू आप चाह रहे हो कि जो फाइल्स हैं उनको टेम्परली सेव कर दिया जाए तो आप कैसे उसको यूज़ करेंगे। इस वक्त हम फिर से अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, उसी फोर डॉट टी एक्स टी में आपने फिर लिखा हेलो वर्ल्ड और सेव किया। स्मार्ट गेट में जाके देखें चेंज आ रहा है सिर्फ इस लाइन का, और मैं चाहता हूँ इसे सेव कर लूँ। राइट क्लिक करके आप इसे कर सकते हैं, राइट क्लिक करके नहीं आ रहा, स्टैश सेव स्टैश आपके पास ऑप्शन है, सेव स्टैश पर क्लिक करें ये मेन्यू आ जाएगा, या फिर इसी फाइल को क्लिक करते हुए कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो भी स्टैश आ जाएगा। आपने दे दिया फर्स्ट चेंज, ये करके आपने स्टैश कर दिया। अब ये देखें स्टैशेस की लिस्ट आ गई यहाँ पे। मज़ीद एक फाइल में चेंज करते हैं,
फिर ये फाइल आ गई है, फिर आपने स्टैश किया। वर्किंग चेंज ये आ गया। अब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये बता रहे हैं कौन से स्टैश अप्लाई करना चाह रहे हैं, या तो अब यहाँ से अप्लाई कर लें या यहाँ पे डबल क्लिक करके अप्लाई कर लें। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, अप्लाई एंड ड्रॉप। अप्लाई करूँगा तो सिर्फ अप्लाई होगा, अप्लाई एंड ड्रॉप करूँगा तो अप्लाई करेगा और यहाँ से लिस्ट में से रिमूव कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगले जो ये है इस पर डबल क्लिक करता हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, ड्रॉप नहीं कर रहा, तो ये अप्लाई भी हो गया, ड्रॉप नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप अपने चेंजेस को टेम्पररली सेव कर सकते हैं और जब आप चाहें तो उसे रिकवर कर सकते। ब्रांचेस को जब हमने देखा है तो उसमें हमने डिफरेंट तरह के ब्रांचेस, फीचर्स और डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में देखा कि कौन कौन से ब्रांचेस आप बना सकते हैं और जितनी चाहें आप ब्रांचेस बना सकते हैं। जनरली कोशिश ये की जाती है कि आप हर फीचर या हर प्रॉब्लम को अलग अलग ब्रांच में काम करें ताकि आपकी मेन ब्रांच पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इसलिए आप ब्रांचेस जब बनाते हैं तो उनके पर्पस डिफाइन कर लेते हैं कि ब्रांच शॉर्ट लिव्ड है या लॉन्ग लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो आप किसी एक फीचर या एक किसी बग फिक्स के लिए, कोई एक छोटे से चेंज के लिए जब आप सेपरेट ब्रांच बनाएं उसे शॉर्ट लिव्ड ब्रांच कहते हैं कि आपने वो बनाई, वो चेंज मेन ब्रांच में मर्ज किया और उस शॉर्ट लिव्ड ब्रांच को जो ब्रांच बग फिक्स के लिए या फीचर के लिए बनाई थी उसको डिलीट कर दिया। लॉन्ग लिव्ड ब्रांच वो ब्रांचेज होती हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट में परमानेंट रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन मास्टर ब्रांच जो है आपकी, प्रोडक्शन ब्रांच है, डेवलपमेंट ब्रांच है, टेस्टिंग की ब्रांचेज हैं, कुछ ऐसी ब्रांचेज होती हैं जो कि परमानेंटली रहती हैं और लॉन्ग टर्म होती हैं। आप डिफरेंट ब्रांचेज से कोड उनमें मर्ज करते हैं और उन ब्रांचेज को डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट के लिए और प्रोडक्शन में कोड सबमिट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म ब्रांचेज होती हैं, लॉन्ग लिव ब्रांचेज कहते हैं, जो आप डिलीट नहीं करते और वो कंप्लीट प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में रहती हैं।